हृदय से सत्संग समारोह का या तीसरा दिन का या अंतिम सत्र है। इस सत्र में हमारे साथियों से, हमारे साध्वी बहनों से भी बहुत सुंदर विचार हम लोग सुन रहे थे। लगता था सुनते रहे, लेकिन समय का अपना एक तकाजा है। मेरे लिए संकेत हुआ है, कुछ देर आपके बीच निवेदन प्रस्तुत है। जरा सुस्ती को दूर करें, आलस चंडाल भी घेर सकता है, निद्रा और तंद्रा भी घेर सकते, इसलिए इस पंडाल से ये आलस चंडाल को भगाएं। चारा माँ बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। संतोष पूर्वक नहीं, सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु अभिलाष साहेब की, श्रद्धे संत श्री संत आधार साहेब की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत शकल कर्म जनित अघ पीर। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामय माताओं एवं बहनों, इस वसुंधरा में पढ़ने वाले प्यारे प्यारों बच्चों, अभी हम लोग सुन रहे थे संस्कार पर। संस्कार पर जितना कहा जाए वो कम ही है। संस्कार का अर्थ ही होता है रगड़ना, पोछना, साफ करना। और ये संस्कार हमारा अमानत धरोहर है। ये संस्कार हमें आगे भी ले जाता है, इस जीवन के बाद भी जो हम संस्कार संग्रहित करे रहते हैं, वे संस्कार हमारे आगे भी अगला जीवन के लिए भी वो काम करते हैं। संस्कार ही हमारा असली धन है, संस्कार हमारी असली पूंजी है। और ये संस्कार कहाँ से शुरुआत? अपना घर से। ये घर हमारा पाठशाला है। और घर में जो रहने वाले माँ बाप हैं वे अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, बहने माताएं। इन दोनों के द्वारा प्रथम प्रथम संस्कार घर ही से हमको मिलते हैं। जो भी अच्छे संस्कार पाए हैं या गलत संस्कार पाए, इसी परिवार से पाए हैं। चाहे वो सुल्ताना डाकू क्यों ना हो, ये माताओं के कारण ही सुल्ताना डाकू बना। ये माताओं की अच्छी सीख के नाते राम कृष्ण बुद्ध और महावीर बने। इस संदर्भ मुझे एक उदाहरण याद आया। ऐसी सभा लगी थी, सत्संग चल रहा था, वक्ता ने माताओं से प्रश्न किया, माताओं ये बताओ कृष्ण जैसे बेटा कौन कौन माताएं जो चाहती हूँ, हाथ उठाओ। यहाँ मैं हाथ उठवाऊँ तो बहुत लोग उठवा देंगे, अर्थात सभी उठा देंगे। उस प्रवक्ता ने कहा कृष्ण जैसा बेटा कौन कौन ऐसी माँ है जो कृष्ण जैसा बेटा चाहती हो, हाथ उठाओ। सभी लोग हाथ उठा दिए। वक्ता ने कहा एक बात और, अभी और बाकी है, कौन ऐसी माँ है जो पति और पत्नी के साथ 12 साल तक जेल खाना में रहना चाहती हो, हाथ उठाओ। कोई हाथ नहीं उठाए। तीसरी बात, कौन ऐसी माताएं जो अपने 7 बेटों को बलिदान देना चाहती हो, हाथ उठाओ। किसी की हिम्मत नहीं हुई।
कृष्ण को पैदा करने के लिए पहली बात तपस्या, दूसरी बात बलिदान, तब कृष्ण पैदा होंगे। ये माताओं पर पूरा निर्भर है। अगर ये चाहेगी तो कृष्ण और राम को पैदा कर सकती हैं, बुद्ध और महावीर को, गांधी जवाहर और पटेल को पैदा कर सकती हैं। अगर ये अगर गलत संस्कार के हैं होंगे तो ओसामा बिन लादेन पैदा करेगी, सुल्ताना पैदा करेगी और रावण कंस दुर्योधन को भी पैदा कर सकती है। इन माताओं पर निर्भर है। ये धूल में खेलने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे अभी धूल में खेल रहे हैं साहब। इन्हीं बच्चों में राम कृष्ण बुद्ध और महावीर ईसा मूसा हजरत रसूल और इन्हीं बालिकाओं में रजिया बेगम, महारानी विक्टोरिया, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल और सोनिया गांधी, मायावती इन्हीं बालिकाओं में छिपी है। बच्चों का हमें कैसे भविष्य का निर्माण करना है ये अपने हाथ पे है। मैं कहा करता हूं बच्चे ही आगे चल करके माता पिता का नाम रोशन करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी सीख दिया, अच्छे संस्कार दिया, उनका भविष्य का अच्छा आप निर्माण किया, आगे चल करके माँ बाप का नाम रोशन ये बच्चे ही करते हैं साहब। राम के जरिए, राम के आधार पर हम माँ कौशल्या को और दशरथ को हम याद करते हैं। श्री राम के जरिए हम गुरु वशिष्ठ को और अयोध्या को हमें याद करना होता है। कृष्ण के जरिए, कृष्ण एक ऐसे महापुरुष हुए, जेल खाना में पैदा होते हुए भी वे महापुरुष महान हुए इतिहास में। आज उन्हीं के जरिए उनकी माँ देवकी, वासुदेव को पिता को हम जानते हैं और पालन करता नंद बाबा को और माँ यशोदा को हम जानते हैं, मथुरा और द्वारका को जानते हैं। और उन्हीं के आधार पर हम कौरव पांडव को भी जानते हैं। अगर गहराई से सोचा जाए तो माँ बाप का रोशन बच्चे करते हैं, इसलिए माँ बाप को चाहिए बच्चों का अच्छा निर्माण करें। कबीर साहब इस संदर्भ में कहते हैं, पहले जन्म पूत का भयो बाप जन्मिया पाछे, अब बाप पूत की एक नारी ई अचरज कोई काछे। कबीर साहब दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो महान दार्शनिक और क्रांतिकारी वो तो है ही हैं, समाज सुधारक हैं, उनके विभुत पालू है। लेकिन दूसरी तरफ वे संसार में कैसे जीना है, कैसे संस्कार देना है, कैसे जीवन जीना है, इस संदर्भ पर भी उनका ज्ञान है, उनका उनकी वाणी है। साहब कहते हैं पहले जन्म पुत का भयो, पहले पुत्र का जन्म होता है बाद में बाप का, ऐसा कहीं होता है? लोग कहते हैं कबीर उल्टवासी कह रहे हैं। कबीर साहब उल्टवासी नहीं कह रहे हैं, बस अपने अपने माइंड को, अपनी समझ को घुमाएं। उन्होंने सही कह रहे हैं। किसी के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो आपने कभी ये सुना है अमुक के यहाँ बाप पैदा हुआ है? यही कहा जाता है अमुक के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, पुत्र पैदा हुआ है। कबीर साहब सीधे तो कह ही नहीं, पहले पुत्र का जन्म होता है, जब वही पुत्र बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, विवाह शादी करता है, दोनों के बीच से जब बच्चा आता है तब वो बच्चा कहता है ये मेरा बाप है, ये मेरा पापा है। कभी साहब सहज कह रहे हैं पहले पुत्र का जन्म हुआ बाद में बाप का जन्म हुआ, अर्थात पुत्र पहले पैदा होता है बाद में बाप बनता है। अर्थ है
पुत्र का पहले सुधार हो, पुत्र को अच्छे संस्कार दे, वही पुत्र आगे चल करके अच्छा बाप बनेगा। वही पुत्र, वही बेटा आज धूल में खेल रहा है, वही बेटा वही पुत्र आगे चल करके डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और नेता और संत बनेंगे। अगर आप अपने अपने नई पीढ़ी को अच्छी सीख नहीं दिया, अच्छे संस्कार नहीं दिया, तो हमारा देश समझ लीजिए खतरनाक की ओर आगे बढ़ेंगे। आज नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद कहाँ से पैदा हो रहे हैं? इन्हीं माँ बाप के कोख से पैदा हुए हैं। रावण, कंस, दुर्योधन, ओसामा बिन लादेन कहाँ से पैदा हुए? सुल्ताना कहाँ से पैदा हुए? इन्हीं माँ बाप से हुए। और साधु में भी जो बिगड़ैल होते हैं, साधु नामधारी, वो भी आपका ही उत्तरदायित्व है। अगर आपने अच्छी सीख और अच्छे संस्कार नहीं दिया तो आप पर ही ये बदनामी है। बाद में साधु संत का बदनाम है। तो मैं कह रहा था पुत्र का सुधार अगर होता है तो आगे चल करके वही डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। आगे साहब कहते हैं बाप पुत्र की एक नारी, बाप और पुत्र से, बाप और पुत्र नारी जातियों से तो पैदा होते हैं। साहब कबीर साहब कहना चाहते हैं अगर नारी जात का सुधार हो जाए तो पूरी सृष्टि का सुधार है। अगर नारी जात का अगर सुधार नहीं हुआ तो निश्चित है वो सुल्ताना बनाएगी, निश्चित है वो ओसामा बिन लादेन पैदा करेगी। नारियां ही तो बच्चों को जन्म देने वाली होती हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं पहले नारियों का सुधार हो। आश्चर्य लगता है नारियों को अपनी जब पुत्री पैदा होती है ना तो इन लोगों को पसंद नहीं है। जब पुत्री पैदा होती है तब क्या होता है, इन लोगों का जो सिर झुक जाता है। आश्चर्य, खुद नारी हैं और नारी अर्थात पुत्री पैदा होने पर इन लोगों को पसंद नहीं है। इंदिरा गांधी पुत्री ही थी जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दी। नारियों में एक से एक नारियां हुई हमारे देश में। इसलिए नारी लड़की के पैदाइश में क्यों नाखुश? देखो अभी हमारी दो बहनें समाज को हिला दी। नारी तो घट में है, वैसे शरीर नारी है, जीव नारी नहीं है, जीव तो पुरुष है। कबीर साहब कहते हैं अगर नारी जाति का सुधार होता है तो पूरी सृष्टि का सुधार है। लेकिन इन नारियों को अपनी नारी जाति से ही लोगों को रहम नहीं है। आज दहेज के नाम पर बहू को सताने वाली ये नारियां ही है। गनीमत है छत्तीसगढ़ में नहीं है दहेज प्रथा, लेकिन अन्य राष्ट्र में दहेज प्रथा है। दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने वाली ये जगदम्बा, ये नारियां कहे जाने वाली है। अपनी जाति पर इन लोगों को रहम नहीं है। अपनी जो बहू है उसको सताने वाली ये जगदम्बा कहे जाने वाली ये नारियां ही है। और अपनी सास को प्रताड़ित करने वाली ये जगदम्बा, ये बहू कहलाने वाली नारियां ही है। आज भ्रूण परीक्षण के बाद हजारों हजारों शिशु कन्याओं का गर्भ में हत्या करने वाली ये नारियां है, ये जगदम्बा है। इसको जगदम्बा कहा जाए कि राक्षसी कहा जाए? जो गर्भ में आया बच्चा है उसको बाहर आने दो, वो अपना प्रारब्ध में जी लेगी। क्यों उसको गर्भ में टुकड़े टुकड़े कर रही हो?
कबीर साहब कहते हैं नारियों का अगर सुधार होगा तो निश्चित है ये धरती अपने आप सुधर जाएगी। संस्कार, माँ बाप को चाहिए बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी सीख दें। अब ये संस्कार कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं? कर्मों से संस्कार बनते हैं। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है, धर्म हमारा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बने अविनाशी है, कर्म धर्म दोनों खराब तो गले के यम की फांसी है। कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है, कर्म के अनुसार किस्मत बनती है और जब किस्मत बनेगी तो दासी बन के हमारी सेवकाई करेगी, क्योंकि कर्म के अनुसार भाग्य बनता है, कर्म के अनुसार तकदीर बनता है, कर्म के अनुसार प्रारब्ध बनता है। इसलिए कर्म हमें सोच विचार करके करने की जरूरत है। दुनिया में ऐसा कोई विधाता, ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं बैठा है जो हमारे कर्मों का वो लेखा जोखा रखता हो। अगर कर्मों का विधाता अगर कहीं हो तो वह निष्पक्ष नहीं है। आज दुनिया में विषमता जो कायम है कहाँ से आ गई? एक तरफ कहा जाता है विधाता दयालु है, कृपालु है, समतालु है। जब समतालु है, कृपालु है, सर्वज्ञ है, सबके वह जन्मदाता है तो ये विषमता कहाँ से आ गई? कोई अंधा है, लंगड़ा है, अपाहिज है, रोगी है, दुखी है, किन्हीं के पास भव्य भवन है तो किसी के पास झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है। इस धरती में हजारों हजारों लाखों लाखों ऐसे लोग हैं जो अंधे होकर के जन्म ले रहे हैं। इस धरती में हजारों हजारों ऐसे लोग हैं जो अपंग होकर पैदा हो रहे हैं। क्या भगवान भगवान जो कृपालु दयालु हैं क्या वह निष्पक्ष कहाँ हैं? अंधे लंगड़े अपाहिज होकर के पैदा वो क्यों करा रहे हैं? बंधुओं, ऐसा कोई कर्मों का विधाता, ऐसा कोई ब्रह्मा इस धरती में नहीं है। कर्म हमारा ब्रह्मा है, कर्म हमारा विधाता है। जो हम करते हैं वही हमारे सामने लौट करके आता है। इसलिए साहब कहते हैं, कहने वाला कहते हैं, कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है, कर्म के अनुसार किस्मत बनती है, कर्म के अनुसार भाग्य बनता है, कर्म के अनुसार तकदीर बनता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा इस संदर्भ में, समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ भी नहीं मिलता है। यदि हमारा भाग्य में, हमारा तकदीर में, हमारी किस्मत में है तो लाख शैतान मिल करके हमारा भाग्य को, हमारा तकदीर को छीन नहीं सकते हैं। यदि हमारी किस्मत में नहीं, हमारा भाग्य में नहीं, हमारा तकदीर में नहीं है तो लाख भगवान मिल करके, लाख शैतान में, लाख शक्ति मिल करके हमें कुछ भी दे नहीं पाएंगे। इसलिए कर्म ही वास्तव में विधाता है। जो हम करते हैं वही हमें लौट करके मिलता है। खेत में जो हम बीज बोते हैं वही हमारे सामने फसल के रूप में लौट करके आते हैं। कैसे आते हैं? मुझे एक उदाहरण याद आया। एक राजा ने तीन व्यक्ति को बुलाए और तीनों को आदेश दिया, एक बड़ा बड़ा तीनों को झोला दे दिया और ये कहा अमुक तारीख को तुम लोगों को आना है और इन झोलों में मौसमी फल भर के लाना है। तीनों को दे दिए झोले, तीनों गए, निश्चित समय पर तीनों वापिस आए झोला में भर भर के। एक ने बड़ी सावधानी से मौसमी फल भरा झोला में, बढ़िया से बढ़िया फल। दूसरा ने असावधानी की, कच्चा होता जो भी पाया भर लिया। तीसरा आदमी तो और
असावधान किया, अत्ता पत्ता और ऐसे फल को भर के ले आए। राजा ने तीनों को एक महीना के लिए जेल सुना दिया और ये कहा तीनों को एक एक कमरा में बंद कर दिए जाएंगे, आर्डर दिया। और ये झोले जो है ना भरा हुआ फल उन्हीं को खाना है, अन्यथा आपको बाहर से भोजन की व्यवस्था आपके लिए नहीं होगी। तीनों को एक कमरा में डाल दिए गए, काला पानी। आप सहज समझ सकते हैं जो अच्छा फल मौसमी फल जो भरा था वो तो एक महीना खाता रहा और स्वस्थ हो करके निकला, और दूसरा जो कच्चा उद्दा भरा था वो तो बीमार होके निकला, और तीसरा तो मर ही गया। कर्म प्रधान के अनुसार हम लोगों को अंतःकरण रूपी तीन झोले मिले हुए हैं, और इन तीन झोलों में हमें कर्मों का संस्कारों का हमें फल भरना है। अगर हमने गलत फल भरा तो निश्चित है हमारे जीवन में उसका गलत परिणाम आएगा। आदमी कर्म तो करता है लेकिन कर्मों के बाद आदमी विवश हो जाता है, उसमें वो अधीन हो जाता है। एक उदाहरण और मुझे याद आया, एक गांव का आदमी था, गया बाजार, सौदा करते करते उन्हें टाइम लगा, भूख भी लगी थी, देख रहा था कहीं होटल तो नहीं है। संजोग से सामने चौराहे में एक बोर्ड टंगा था, उसमें लिखा था सामने होटल है साहब, आप आकर के मनपसंद भोजन खा सकते हो, लेकिन उसका बिल जो है आपका पोता पटाएगा, आपका नाती पटाएगा। वो तो बड़ा खुश हुआ, अंदर गया, कुर्सी और मेज लगे हुए थे, बैठ गया, मनपसंद भोजन इशारा करता रहा, आता रहा, खाया, पेट भर, पानी पिया, अब उठने वाला है। इतने में मैनेजर साहब आया और उनसे 500 का बिल थमा दिया। उन्होंने कहा भाई साहब आपने बोर्ड में क्या लिख रखा है? उन्होंने कहा भाई साहब मैंने सही लिख रखा है, आपने जो खाया है ना उसका बिल तो आपके पोता पटाएगा, लेकिन आपके जो दादा खाया है उसका बिल कौन पटाएगा? आपको पटाना है। हम खाए अब हमारा बिल हमारा पोता पटाए, ये कहां से न्याय? जो हम खाएंगे हमको ही बिल देना होगा, जो हम बोएंगे वही हमें फसल के रूप में काटना होगा। इसलिए हमारे यहाँ देवता या भगवान या राजे महाराजे जिनके पीछे इतिहास बना उन सब को भी ये बताया गया अगर गलत ढंग से कर्म किया तो उनको भी उसके परिणाम में उनको दुख भी मिला है। कैसे मिला है? मुझे महाभारत का स्मरण आया, मैं संक्षिप्त में कहूँगा। कौरव और पांडव दोनों चचेरे भाई हैं, लेकिन राज के लिए आपस में लड़ जाते हैं। इशारा करिएगा। राज के लिए दोनों आपस में लड़ गए। पांडवों की तो विजय हुई, कौरवों का तो सर्वनाश। अब गद्दी की बात आती है तो महाराज युधिष्ठिर इतना वो वेदना में है, वो राज स्वीकारता नहीं, इतना संतापित है। वे तो कहते हैं भैया भीम को दे दो, अर्जुन को दे दो, मैं राज के अधिकारी नहीं, मैं तो अपने सुहदों का द्रोही और अवेकी हूँ। वैसे वैसे श्रेष्ठ सुहदों का वध करके अब मुझे जीवन राज अथवा धन से कोई प्रयोजन नहीं। मैं अपने सुहदों का वध करके अब मुझे अपने जीवन राज और धन से कोई प्रयोजन नहीं। हमने शूरवीर को मारा और पाप किया और अपना ही देश का विनाश किया। शत्रुओं को मारकर हमारा क्रोध तो दूर हुआ, परंतु मैं शोक से निरंतर घिरा रहता हूँ। अर्जुन हम लोग विष्णुवंशी अंधक वंशी क्षत्रियों की नगरी द्वारका में भीख मांगते हुए जीवन निर्वाह कर लेते हैं,
तो जीवन निर्वाह कर लेते तो आज अपने कुटुंबियों का निर्वस करके इस दुर्दशा को प्राप्त ना होते। महाराज युधिष्ठिर किस प्रकार हुए, शोक और संताप में डूबे हुए। एक जगह और आता है महाभारत में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए बंधु बांधवों की आत्म शांति के लिए जलांजलि देने के लिए पांचों पांडव द्रौपदी के सहित गंगा के किनारे एक महीना रुके हुए हैं। उन्हीं दिनों में देवर्षि नारद वहां आए हैं। कुशल मंगल के बाद देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज विजय पा लेने के बाद सारा राज आपका हो गया, क्यों संतुष्ट हो ना? तब युधिष्ठिर रुंधे स्वर में क्या कह रहे हैं, भगवान यह बात तो सच है, विजय पा लेने के बाद सारा राज मेरा अधीन तो हो गया, लेकिन मैं इस विजय को महापराजय ही समझता हूँ, जिनमें अपने ही बंधु बांधव मारे गए, जिसकी प्राप्ति के लिए मैं अपने प्यारे पुत्रों की बलि चढ़ानी पड़ी, उसे विजय कैसे कहा जाए? मुनिवर, मैं अपने ही दानवीर कर्ण को शत्रु समझकर मार डाला, राज के लोभ में पड़कर मैंने घोर पाप कर डाला। जिस वीर ने अपनी माता से की हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हुए हम लोगों की प्राणों की भीख दी थी, आज हम उन्हीं भाई को हमने अन्याय से मारा। आप ही बताइए, मुझसे बढ़कर नीच और दुरात्मा कौन होगा? आप संतुष्ट होने की बात पूछते हैं, मेरा हृदय जिस व्यथा से भरा है उसे कह पाना कठिन है। बताइए महाराज युधिष्ठिर, जो 18 दिन के महाभारत युद्ध में जो छल छद्म करके उन्हें विजय मिली थी, अंत में वो किस प्रकार हुए, पश्चाताप में डूबे हुए। जो हम पाप करेंगे तो निश्चित है वह परिणाम लौट करके आएगा और अंत में पश्चाताप ही हाथ में आएगा। इसलिए कर्म हमें सोच समझ करके करना होगा। निश्चित है जीव अपने जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगा। हमारी बहन ने जो कही थी संस्कार, इसी पर मैंने थोड़ा और आगे बढ़ाया, यहीं पर अपनी वाणी विराम। पूज्यवर साहब जी आ रहे हैं, ये बच्चे थोड़ा और साइड में हो जाओ, साहब जी विराजमान हो रहे हैं। आगे आप लोग बढ़ जाए, जगह है, भाई लोग भी और ये बहनें भी। साहे बंदगी बोलिए सदगुरु देव की जय। संस्कार पर मैं निवेदन कर रहा था, संस्कार ही हमारी असली धरोहर पूंजी है, संस्कार ही हमारा असली धन है, और यही संस्कार हमें आगे गमनागमन में भी है, हमें आगे ले जाते हैं। इसलिए अच्छे संस्कार बनाएं और अच्छे कर्म के अनुसार अच्छे संस्कार बनते हैं। यही पर मैं अपनी बात को विराम, बोलिए सदगुरु देव की जय। हमारे व्यवस्थापक जी बैठे हैं, आगे वो सूचना देंगे।